नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं, पंचायत सहायक प्रदेश संयोजक रामजीत जी पटेल ने आज दिन भर सचिवालय में रहे और पंचायत सहायकों के अडॉप्शन और नियमितीकरण की जो कार्रवाई कहां तक आगे बढ़ी, इसके बारे में चर्चा की। साथ ही क्या कुछ कहा मैं बताऊंगा। साथ ही जो जनसुनवाई थी उसमें पंचायत सहायकों के अडॉप्शन और नियमितीकरण को लेकर भी प्रमोद जैन भैया को ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने क्या कुछ कहा पूरा वीडियो यहां पर जानेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही संविदा कार्मिक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाकर आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं, कल जिलों के कार्यक्रम के बाद संघ संयोजक रामजीत पटेल ने भी सचिवालय में विभागीय अधिकारियों को भी चेतावनी भरा ज्ञापन सौंपा। स्पष्ट कहा कि हमारे कार्य के लिए के समय सीमा तय की 21 जुलाई और 22 जुलाई चिंतन शिविर में हमारी जो है बात होनी चाहिए। यानी कि इन्होंने कहा कि हमारे जो अडॉप्शन और नियमितीकरण को लेकर समय सीमा तय की थी, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया और 21 और 22 जुलाई को जो कांग्रेस सरकार का चिंतन शिविर होना है उसमें पंचायत सहायकों की बात होनी चाहिए। 99% शिक्षा विभाग तय हो गया है, 1% भगवान और सरकार पर निर्भर करता है। भुगतान संबंधी समस्या लगभग खत्म करवा दी है, जल्दी उसके आदेश होंगे, मौखिक आदेश सामने ही कर दिए, लिखित भी हो जाएंगे या सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को VC के जरिए भी आदेश मिल सकते हैं। भुगतान जो राशि SFC में की गई है उसी से होना है। यानी कि पंचायत सहायकों का जो भुगतान है अब उसका झंझट ही यहाँ पर सरकार ने खत्म कर दिया। SFC की राशि से पंचायत सहायकों को भुगतान मिलेगा। साथ ही मैं बता दूं 99% जो है शिक्षा विभाग यहाँ पर तय है। कार्य हो तो रहा है लेकिन देरी भी हो रही है। दबाव के लिए अगस्त में जयपुर में आंदोलन की चेतावनी भी यहाँ पर सरकार के नुमाइंदों को दे दी है। साथ ही बीकानेर के कार्यक्रम के लिए जिलाध्यक्ष भाई केसुराम जी सहित बीकानेर के सभी जाबाद साथियों का 27,000 परिवार की तरफ से धन्यवाद और आभार। सभी जिले इसी तरह से मंत्रियों सहित सरकारी नुमाइंदों का ऐसे ही घेराव करें, फिलहाल नितांत आवश्यक है। कल के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए 33 जिलाध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, प्रदेश कमेटी, मीडिया गणों का सभी का आभार। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, रामजीत पटेल जो राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक के प्रदेश संयोजक है, इन्होंने आज विभागीय अधिकारियों से सचिवालय में मुलाकात की और जल्द से जल्द अडॉप्शन की कार्रवाई और नियमितीकरण को लेकर यहां पर मुलाकात की और जल्द से जल्द जो संपूर्ण जो कार्रवाई है वो करने की यहां पर बात कही गई है। साथ ही मैं बता दूं, आज पंचायत सहायक विद्यार्थी मित्रों ने भी बीकानेर में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का घेराव किया और उनको भी ज्ञापन सौंपा। साथ ही पंचायत सहायक जिंदाबाद के नारे लगाए, जो आप इस वीडियो में आगे देख सकते हैं। साथ ही मैं बता दूं, आप देख सकते हैं ग्राम पंचायत सहायकों ने खाद्य और गोपालन व झालावाड़ प्रभारी मंत्री प्रमोद जैन भैया को संविदा सेवा नियम 2022 के तहत अडॉप्ट कर नियमितीकरण की मांग को लेकर कामखेड़ा में जन सुनवाई पर दिया ज्ञापन। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर जन सुनवाई कर रहे थे प्रमोद जैन भैया, इसी दौरान पंचायत सहायक आ पहुंचे और उन्होंने अपने नियमितीकरण और अडॉप्शन को लेकर यहाँ पर ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने वालों में चित्रदांगी जिलाध्यक्ष, पंचायत सहायक, ब्लॉक अध्यक्ष वल्लभ मीणा, मोहनलाल मीणा, रामनारायण नागर सहित सैकड़ों जो पंचायत सहायक है वो मौजूद रहे। अब आगे देखिए, आज यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय को घेर कर पंचायत सहायकों के जिंदाबाद के नारे लगे। साथ ही यहाँ पर जो है पंचायत सहायकों के अडॉप्शन और नियमितीकरण को लेकर ज्ञापन सौंपा। आइए देखते हैं। राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संघ जिंदाबाद, पंचायत सहायक जिंदाबाद, जिंदाबाद, पंचायत सहायक संघ 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 जिंदाबाद,